परिषद के अर्थ शिक्षण व क्रीड़ा समिति सभापति भारती पाटिल ने आज जिला परिषद 2021-22 का सुधारित व 2022-23 का प्रस्तावित अर्थ संकल्प पेश किया। पेश किए बजट में सबसे कम निधि कृषि विभाग को मिलने से सत्ता पक्ष के साथ साथ विरोधकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष द्वारा पेश किए गए बजट पर नाराजगी जताई गयी। आज जिला परिषद 2021-22 का सुधारित व 2022-23 का अर्थ संकल्प पेश किया गया, जिसमें विविध विभागों का प्रस्ताव निधि दिया गया, जिसमें कृषि विभाग को सबसे कम निधि देने पर विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। कृषि विभाग के प्रस्तावित बजट में 1,76,65,900 रुपए देने पर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर खंबाले ने भी विरोध जताया। इसी के साथ जिला परिषद सदस्य अरुण हटवार द्वारा भी विरोध किया गया, जिसके बाद सभागृह में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें बात हाथापाई तक पहुँच गयी थी। देखिए, आज का बजट था और बजट के हिसाब से जैसी यहाँ पर चर्चा करनी थी, क्योंकि बजट में जिस हिसाब से इन्होंने बजट बनाया उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, और उस गलतियों के ऊपर जब जब चर्चा करने हम लोग गए तो चर्चा न करते हुए एक साइड से निर्णय लेना, कहीं तो भी अध्यक्ष ने एक साइड ये बोलना कि वह ये बजट हमने कर दिए करके कृषि विभाग का खाता है, बाकी भी इतर तरतूद थे कि यहाँ पर 4.5 कोटी रुपए जो सदस्यों को शेष फंड में से मिलना चाहिए था उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नियोजन नहीं किया, उसका विरोध हम लोगों ने सभागृह में किए। लेकिन विरोध करने के बाद में भी जैसा उन्होंने दिल में ठहरा के रखा कि वह हमको गलत काम करना ही है, और अधिकारी की बाजू लेके बाकी भी विषय आपके आप अगर सभागृह देखते थे, ये बजट पूरा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। इसकी वजह से सभागृह में इस विषय में चर्चा अध्यक्ष ने की नहीं। सभागृह में बजट पेश करने से पहले शोक प्रस्ताव पेश हुआ, जिसके बाद विविध विभाग की रिक्त पदों पर नियुक्त सदस्यों के नाम की घोषणा की गई। बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया और हंगामे के बीच ही जिला परिषद का बजट पेश किया गया। जिला परिषद विपक्ष नेता आतिश उमरे द्वारा बजट 2022-23 पर नाराजगी जताई गयी। नहीं, जो आज का जो जिला परिषद का बजट एक सुधारित अर्थसंकल्प 21-22 आणि नवीन अर्थसंकल्प 22-23 असा आज सभागृहात मंजूर झालेला आहे। सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये जे 21-22 मूळ अर्थसंकल्प होतं त्यामध्ये जे पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागावर 3 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती, ती तरतूद सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये कमी करण्यात आली आणि त्यामध्ये 1,78,00,000 रुपये दोन्ही विभाग मिळून देण्यात आले। त्यामध्ये जे 1,25,00,000 कपात केली त्याचा आम्ही विरोध केलेला आहे, ती तरतूद आम्हाला पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी अशा प्रकारची आम्ही मागणी सभागृहात ठेवलेली आहे। आणि दुसरा विषय, आमचा 4,80,00,000 रुपये जो शेष फंडाचा याचा 17 CDBचा होता, तो 17 CDBचा सुद्धा निधी आमचा वाढता करून दुसऱ्या विभागाकडे केलेला आहे, त्याची सुद्धा आम्ही मागणी केली आहे की जी 17 CDBचा निधी आम्हाला सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात यावा। आज जिस हंगामे के साथ जिला परिषद का बजट पेश हुआ उसे देखते हुए यह सवाल जरूर निर्माण होता है कि क्या सच में इस तरीके के हंगामे मचाने से ग्रामीण जनता को न्याय मिल पाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।